मित्रों, सबसे पहले तो मैं श्री ख्यालीराम लोधी जी, जो कि एक बहुत ही सामान्य परिवार, किसान, पिछड़े परिवार और सादगी की मिसाल है, उनको मैं अपनी तरफ से, ज़िले के लोगों की तरफ से, आप सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि ख्यालीराम जी के नेतृत्व में ज़िला पंचायत ज़िले के विकास में बहुत ही अग्रणी भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाएगी। आज पंचायत राज व्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी सुदृढ़ की गई है, हो रही है, और ग्रामीण विकास और गांव का विकास और आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का विकास पंचायतों की जिम्मेदारी और पंचायतों का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को मुझे पूरा यकीन है कि ख्यालीराम जी जैसा ईमानदार, एक बहुत ही गरीब किसान परिवार का व्यक्ति, सभी जो जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य हैं उनको साथ लेकर के निभाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि अब चुनाव हो गया, आप चेयरमैन बन गए, अब आपको जिसने वोट दिया वो भी आपका है, जिसने आपको वोट नहीं दिया वो भी आपका है, और इसलिए सबको एक समान और एक साथ लेकर के हमें काम करना चाहिए। आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज न केवल देश के बल्कि पूरी दुनिया के सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं। उसका एक ही कारण है, 300 से ज़्यादा सीटें हासिल करने के बाद भी उन्होंने कभी भी ज़मीन और आम लोग और ख़ास तौर से गरीब और कमज़ोर तबकों को इग्नोर नहीं होने दिया, और उनकी प्राथमिकता रही गांव, गरीब, किसान, कमज़ोर तबका, और उसकी आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, इस संकल्प के साथ उन्होंने काम किया है। और फैसलों को परिणाम में बदलना, फैसले तो बहुत होते रहते हैं। अभी मैं डीएम साहब से कह रहा था कि यहाँ पर एक सद्भाव मंडप का या कई और लालपुर पुल का कई फैसले हैं जो कि अटके हुए हैं, लटके हुए हैं। फैसलों को परिणाम में बदल करके नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिसी पैरालिसिस का जो एक बीमारी थी, उस बीमारी को पूरी तरह से विराम लगाया है। हमें उसी रास्ते पर चलना होगा, हमें उसी दिशा में चलना होगा। और आज देश में एक के बाद एक जो आपको तमाम विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ साहब के नेतृत्व में दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, वो उसका एक कारण है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ ये नेतृत्व काम कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि जिला पंचायत का जो अध्यक्ष का, चेयरमैन का नया कार्यकाल होगा वो बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में देखा जाएगा, और जो भी केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य से तो मदद मिलेगी ही, केंद्र सरकार की तरफ से भी जो मदद हो सकती है, हम पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ रामपुर की ज़िला पंचायत को करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर मेरी तरफ से सभी जो नवनिर्वाचित ज़िला पंचायत के सदस्य हैं उनको शुभकामनाएं। उसके साथ ही साथ हम ज़िला पंचायत के हमारे नए अध्यक्ष जी को शुभकामनाएं,